क्या शुभ नाम आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम सैयद अतारी है जी। मैं हैदराबाद से हूँ। तो फिस्टुला का प्रॉब्लम था मेरे को 3 ईयर से जी। तो पहले जो है मैं पाइल्स का बोल के मेरा ऑपरेशन हुआ हैदराबाद में, सर्जरी हुई तो 2 साल पहले हुई थी जी। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था मैं। फिर जो डॉक्टर बाद में वो कम नहीं हो रहा तो तकरीबन 6 मंथ तक वो मेडिसिन वगैरह दिए, फिर ऑपरेशन भी करे तो कम नहीं हुआ। फिर सेकंड वो मुझे बोले डॉक्टर के आपको फिस्टुला का प्रॉब्लम, तो फिर वो फिस्टुला का ऑपरेशन करना पड़ता बोल के फिर वो ऑपरेशन करे। लेकिन वो उस टाइम ठीक रहता था दर्द तकलीफ कुछ? बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द रहता था और जो है चलने में भी दिक्कत बहुत होती थी और बैठ नहीं सकता था, ब्लीडिंग जाते रहती थी। तो वो मेडिसिन देते गए फिर बाद में बोले मुश्किल है वैसे ही रहेगा ये, आप जो है मेडिसिन ले लेके परहेज में जैसा जो भी है फूड में इसमें कम होगा भले, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान था 3 साल से, बहुत सारे डॉक्टरों को बताया हैदराबाद में लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं जी। मेडिसिन लिया, फिर एक जने मेरे को डिसाइड मतलब एक जने मेडिसिन क्या लिया आपने? मेडिसिन वही टैबलेट वगैरह लिए, लेकिन फिर बाद में एक जने बोले आयुर्वेदिक का है होम्योपैथी का ली, वो भी ट्रीटमेंट लिया मैं 6 मंथ तक 8 मंथ तक वो भी। कौन सी दवाई खाते थे? आयुर्वेदिक में लेता था पाई केयर बोल के, उससे भी सक्सेस नहीं हुआ। पेन ज़्यादा होता था, गुर्दों में दर्द होता था, पेट में पेन होता था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। 8 मंथ खाया, फिर एक 8 मंथ होम्योपैथी का ड्रॉप्स वो दवाई लिया, उससे भी कुछ भी मेरे को मतलब परफेक्ट नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जा रहा था। तो फिर यूट्यूब पे आपका देखा डॉक्टर आशीष सर, तो वीडियो आपका देखने से थोड़ा मेरे को सोचा कि चलो यहाँ पे भी दिल्ली जाके बता लेंगे बोल के था मेरे को। फिर भी डर रहा था मैं कि पता नहीं क्या होगा, सही होगा नहीं होगा ऑपरेशन, फिर वैसी मेरे को दिक्कत होंगी, ब्लीडिंग मोशन करने में भी तकलीफ होती थी। ऑपरेशन से भी डर लगता था कि ऑपरेशन करेंगे तो क्या करेंगे? वही इसीलिए अभी ऑपरेशन से भी डर लगता था, इससे पहले 2 ऑपरेशन हुए, बहुत भी बहुत प्रॉब्लम होता था, चलने नहीं आता था, खाना नहीं खा सकता था, बहुत तकलीफ में था मैं। फिर आपके पास आया, हिम्मत करके आया मैं, बोला चलो ये भी डॉक्टर को बताएंगे बोल के बहुत सोच के इधर आया। तो उस सब में कितना खर्चा हो गया था आपका? वो सब में मेरा तो 2.5 लाख के करीब गया था, 2.5-3 लाख के करीब खर्चा हो गया था। तो फिर सोचा मैं बोला पैसे का पैसा भी गया मेरा लेकिन सही नहीं हुआ। तो फिर आपका देखा यूट्यूब पे वीडियो, तो फिर इधर आया आपके पास। तो पहले ऑपरेशन में ऐसा कि मालूम हुआ ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ, इतना कंफर्टेबल था और आप जो चीज़ मैं खाया सब बराबर, कुछ भी मेरे को पेन नहीं, तकलीफ नहीं, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था डॉक्टर। तो फिर आप बोले सेकंड और एक सेकंड स्टेज सेटिंग में रहता, तो फिर सेकंड सेटिंग में भी आया यहाँ पे, तो फिर आप किए सेकंड सेटिंग, तो भी मैं परफेक्ट हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ, अभी चल फिर सकता हूँ सब हर चीज़। लेकिन मेरे बहुत मेरे को एक हिम्मत आ गई कि चलो ये हो गया मेरा ट्रीटमेंट, इसमें बहुत टेंशन में था मैं, पता नहीं इतना ठीक कभी भी फील हुए थे इतने टाइम में जब से शुरू किया था ट्रीटमेंट? नहीं बहुत भी बहुत था। अब आप करने से मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं अच्छा हो गया। आपके 3 वर्ड्स अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अब सब सही हो गया है, शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर साहब आपका। इंशाल्लाह फिर अगर मेरे ये बीमारी से कोई गुजरे, अगर किसी को भी हो तो आपका एड्रेस दूंगा, आपका ही नंबर दूंगा डॉक्टर आशीष सर। थैंक यू। किसी को आपसे बात करनी हो, कुछ अगर पूछना हो बीमारी के रिलेटेड? हाँ बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर देता हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9493193799। ओके। ट्रीटमेंट कराए बाद भी मैं गाड़ी पे फिर रहा था, घूम रहा था, कर रहा था, कुछ तकलीफ नहीं थी। आप इनको रेगुलर देख रहे थे इतने साल से, आपको क्या फर्क दिखा इनमें? 3 ईयर्स से मैं तो कंटिन्यू इतना पेन में देखी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि आपके पास आने के लिए मैं कब से कि इनको बोली कि डॉक्टर आशीष, बिकॉज यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखते ही हम लोग ज़रा सेटिस्फाई हुए कि यहीं बताना है, कहीं और अब नहीं बताना है, अब बहुत फेडअप हो गए थे ये डिजीज़ को लेकर। पहले इंशाल्लाह अब कुछ भी नहीं दिख रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए, ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो गया। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब आपका। ये जितने भी डॉक्टर साहब के पास ट्रीटमेंट कराए थे वो लोग को कॉल करके मैं नंबर लेके उनसे सेटिस्फाई होके इधर आए, वो लोग भी मेरे को ये बोले कि कहीं भी मत जाइए आप, ये डॉक्टर के पास ही जाइए आप। बस यही डर था कि दिल्ली आए बस से मेरा मतलब सही होगा नहीं होगा, मेरे को ये दिल में बहुत डर था। लेकिन हैदराबाद के हम लोग इसीलिए हम लोग परेशान हो रहे थे कि दिल्ली में क्या होगा, कि सही होगा क्या नहीं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ ट्रीटमेंट कैसा रहता,
अप्रिहेंशन कॉमन है, कोई भी दूर से आता है, हाँ अभी नेपाल से आता है, कई बार जर्मनी से भी आते हैं, यूएसए से आते हैं, कई बार तो सोचते हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल हम छोड़ के आए हैं, तो यहाँ पे एक मीडियम हॉस्पिटल है, वहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे पास अभी जर्मनी से पेशेंट था जिसने 22 ऑपरेशन कराए उसने, उसके बाद यहाँ आया, और वो आया पहले वापस चला गया, कहता है इतना छोटा सा हॉस्पिटल है, उसके हिसाब से छोटा था, हालांकि ये नॉर्मल होता है हमारे। जर्मनी में 5 गुना, एम्स से भी 5 गुना बड़े हॉस्पिटल थे वो, जहाँ से वो करा रहा था इलाज। तो इसलिए उसके मन में डर आ गया कि नहीं नहीं वो वापस चला गया। फिर वो वापस आया 6 महीने, 2 महीने बाद फिर आया, फिर गया। तो ये कॉमन है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आपके जो पेशेंट्स हैं उन लोगों से नंबर लेके भी मैं कांटेक्ट करा, उन लोग से भी तसल्ली लिया कि मेरे को भी तसल्ली हो गई। मैंने सोचा चलो इतने का करे, अब मेरा भी यहाँ अच्छा हो जाएगा बोल के वो होप से दिल्ली आया मैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट ऑपरेशन है आपका, कुछ तकलीफ नहीं है। कितनी सीटिंग्स बोली थी मैंने आपको? आप बोले थे 3 सीटिंग बोले थे मेरे को, 2 सीटिंग में मेरे को कंप्लीट हो गया, कुछ पेन नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, कि मुझे ऑपरेशन हुआ जैसा मालूम ही नहीं है, उतना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बस डॉक्टर साहब का वेरी वेरी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।